इस वक्त की बड़ी खबर गौतमपुरा से, जहां चंदनखेड़ी गांव में पथराव हुआ है, जहां राम मंदिर निर्माण को लेकर यहां वाहन रैली निकाली जा रही थी और इस वाहन रैली पर कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया है, जिसमें कुछ कार्यकर्ताओं को चोट लगी है। हालांकि इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभालने की कोशिश की है। बता दें कुछ दिनों पूर्व उज्जैन के बेगमबाग में भी वाहन रैली पर पथराव किया गया था, हिंदू संगठन की वाहन रैली पर पथराव किया गया था और कुछ इसी तरह से आज गौतमपुरा के चंदनखेड़ी गांव में भी पथराव देखने को मिला है। यह रैली भी राम मंदिर निर्माण को लेकर निकाली जा रही थी और इस वाहन रैली में कुछ असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया, जिस घटना में कुछ कार्यकर्ताओं को चोट लगी है और इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला है। इस मामले में ताजा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संतोष व्यास जुड़ रहे हैं, जो हमें वहां की ताजा जानकारी देंगे। दो जिले की तहसील देपारपुर तहसील के ग्राम चंदनखेड़ी में पहुंचे हैं, जहां पर आज राम मंदिर को लेकर हिंदू वर्ग द्वारा जो वाहन रैली जगह जगह जो निकाली जा रही है। आज ग्राम चंदनखेड़ी में करीब 11 बजे वो पहुंचे थे रैली के रूप में, जय सियाराम के, उस समय जब नारे लगा रहे थे, जब कुछ मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने मतलब उन पर पत्थरबाजी में करीबन 8-10 लोग घायल हुए हैं, जिसमें एक को ज़्यादा गंभीर चोट लगी है। उसको देखते हुए यहाँ पर देखते हिंदू वर्ग को जैसे ही सूचना मिली वहाँ पर काफी लोगों में हजारों की तादाद में यहाँ पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरह यहाँ पर भीड़ इस समय है और भीड़ लबालब लगी हुई है। यहाँ पर पुलिस, जैसे ही पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस बल घटना स्थल पर पहुंचा, पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण पाया और पुलिस द्वारा समझाई दी जा रही है कि जिन्होंने भी ये जो अपराध किया है, जिन्होंने पत्थरबाजी की, उन पर बराबर कार्रवाई की जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोनों ही घटना में प्रशासन काफी मुस्तैद नजर आया है, दोनों जगह काफी तत्परता से प्रशासन ने कार्यवाही की है। उज्जैन के बेगमबाग में पहले असामाजिक तत्वों के मकानों को, अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया और आज भी प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को संभाला है।